सो गाइज, अगर आप यार उन यूजर्स में से हैं जो कि यार नए लॉन्च स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही चार स्मार्टफोन्स की जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं अंडर 15,000 रुपीज। वैसे दोस्तों, यहां पर आपको सुपर एमोलेड की पैनल भी मिल जाती है, 7000 mAh का बड़ा सा बैटरा मिल जाएगा, 12 GB की रैम मिल जाएगी, साथ ही में MediaTek Helio G96 जैसा पावरफुल गेमिंग चिपसेट आपको मिल जाएगा, और हाँ दोस्तों 33W की चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सो चलिए दोस्तों, बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S13 की। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली ये स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है। ये जो फ़ोन है ये आपको मिलता है प्लास्टिक बिल्ड पर, जहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और बैक पैनल से तो दोस्तों काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन भी है, हालांकि फ्रंट में आपको यहाँ पर वही वी नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन से तो कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट, और साथ ही साथ ये फ़ोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ पर आपको मिलता है 1UI 4.1 का कोर एडिशन, जिसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर जो नॉक सिक्योरिटी मिलने वाली है वो सॉफ्टवेयर तक ही लिमिटेड होगी। हार्डवेयर से आपको यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली PLS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LCD पैनल तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा, साथ ही में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और 480 nits की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है। इन सभी के अलावा स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर नॉर्मल मिलती है, भाई आप इसे एवरेज भी कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। तो बैक साइड में आपको मिल जाएंगे तीन कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, और 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 8 MP का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, मेन कैमरा से आपको आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, सो आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा डिसेंट मिलेगा, उससे आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की तरफ, और दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है 8nm बेस एक्सिनोस का 850 का चिपसेट। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये प्रोसेसर एक नॉर्मल टाइप का प्रोसेसर है, जो कि आपको यहाँ पर डेली टास्क वगैरह करा देगा, साथ ही में अगर आप यहाँ पर कैंडी क्रश या फिर टेम्पल रन जैसे गेम्स खेलना चाहे भाई, तो वो आप यहाँ पर खेल सकते हैं। की बात ऑन टू स्कोर की, तो ये स्मार्टफोन स्कोर करता है लगभग 1,35,000 के आसपास। सो भाई आप इतना तो समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो बजट के हिसाब से एवरेज होने वाली है। और रही बात दोस्तों फ़ोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 15W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। तो बैटरी का साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है, आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफ़ी आराम से मिल जाता है। तो बेसिकली दोस्तों ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जो कि नॉर्मल सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, और वो भी सैमसंग की तरफ से। तो भाई डेफिनेटली आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे पूरे के पूरे 12,000 रुपये, वहीं पर 4 और 128 के लिए आपको देने पड़ जाएंगे 13,000 रुपये। वैसे दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि दोनों ही वेरिएंट में आपको 4GB की एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसका मतलब कि टोटल आपको यहाँ पर 8GB तक के रैम का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन भाई मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको यही फ़ोन लेना है तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पर सैमसंग का ही गैलेक्सी F22 या फिर M32 स्मार्टफोन चेकआउट कर लीजिएगा, दोनों ही इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, इस बजट में भी आपको मिल जाते हैं। सो अगर आप उन्हें चेकआउट करना चाहें तो डेफिनेटली दोस्तों उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा। सो फाइनली गाइस, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फ़ोन की तरफ, और अगला जो फ़ोन है भाई वो आपको इस बजट के हिसाब से काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिटर मिल जाता है इस बजट के अंदर। और गाइज ये फ़ोन है यहाँ पर टेक्नो का POVA 3। जी हाँ दोस्तों, टेक्नो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च है,
और गाइज अगर हम बात करें फोन की, तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है। बिल्ड क्वालिटी फोन की काफी अच्छी दी गई है, साथ ही में यहाँ पर रही बात डिजाइन की तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी गुड लुकिंग फोन दिया गया है। वैसे दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन की डिजाइन की एक और खास बात है कि अगर आप स्मार्टफोन का ब्लू कलर वेरियंट लेते हैं तो बैक साइड में आपको यहाँ पर पावर नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वेरिएंट में देखने को मिलेगी, तो इस बात का आप ख्याल में रखिएगा। रही बात अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जहाँ पर आपको DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट भी मिल जाएगा, साथ ही में ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 बेस हाई OS 8 पर, जहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको मिलते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले में आपको यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.9 इंचेस की बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, जो कि आती है यहाँ पर NEG Dynorex प्रोटेक्शन के साथ में। इसके अलावा 500 nits की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको यहाँ पर मिलती है। सो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है दोस्तों, वो आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी मिल जाती है, वहां पर आपको कोई भी खास शिकायत नहीं आएगी। कैमरास के बारे में बात कर ले तो बैक साइड में यहाँ पर भी आपको तीन कैमरा मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की बात करें तो भाई आपको यहाँ पर मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहाँ पर आपको ड्यूल LED फ्लैश भी मिल जाएंगे सेल्फीज के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफ़ी अच्छी आती है, वहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं आएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात कर ले तो आप यहाँ पर अल्ट्रा HD तो नहीं, लेकिन 2K रिजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैक कैमरा से अप टू 30 FPS और फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप सेल्फी कैमरा से अप टू 30 FPS। सो ओवरऑल कैमरा मॉडल से आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आती। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G88 चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट आता है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर, जो कि आपको बजट के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है और साथ ही साथ आपको इस बजट के हिसाब से डिसेंट लेवल की गेमिंग भी करा देता है। स्मार्टफोन के अंदर आपको कूलिंग सिस्टम वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर ले अंततः स्कोर की, सो ये स्मार्टफोन अंततः पर स्कोर करता है लगभग 2,35,000 के आसपास, जिसका मतलब हुआ कि परफॉर्मेंस आपको बजट के हिसाब से अच्छी मिलती है। और रही बात फोन के पावर हाउस की, तो भाई इस फोन के अंदर बैटरी नहीं बल्कि एक इन्वर्टर लगा हुआ है 7000 mAh का, जहां पर आपको 1 से 1.25 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिल जाएगा। साथ ही में ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 33W का चार्जर मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट मिल जाएगी। तो देखा जाए भाई तो बैटरी मॉडल फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। वैसे दोस्तों ये फोन 10W की रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो बेसिकली देखा जाए भाई तो अगर आप यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छी डिस्प्ले, लंबी बैटरी बैकअप, अच्छी परफॉर्मेंस और साथ ही साथ डिसेंट कैमरास मिल जाएं, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिल जाता है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपये। वहीं पर दोस्तों स्मार्टफोन के 6 और 128 के लिए आपको देने पड़ेंगे 13,499 रुपये। बट मेरे हिसाब से स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वही आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो अगर आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फ़ोन की तरफ। और गाइज हमारा जो अगला फोन है ये लगभग आपको यहाँ पर एक ऑलराउंडर टाइप का फोन मिल जाता है, और गाइज स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर मोटो का G42। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली ये स्मार्टफोन भी लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें इस फोन की, तो ये स्मार्टफोन भी गुड लुकिंग फोन होने वाला है, साथ ही में प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा, लेकिन इस स्मार्टफोन का जो कैमरा मॉड्यूल है ये आपको मेटल के साथ में मिल जाता है। तो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है, तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको यहाँ पर अच्छे मिलते हैं। कुछ अदर फीचर्स के बारे में जान ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और साथ ही में ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है। और हाँ दोस्तों, ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको मोटोरोला की कस्टम स्किन MIUX का सपोर्ट मिल जाता है, तो कोई ब्लॉटवेयर ऐप और एड भी आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। सो परफॉर्मेंस फोन के अंदर आपको काफी बेहतर मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक कॉम्पैक्ट साइज की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पर DCI P3, वाइड वाइन L1 और इसके अलावा अप टू 700 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो कलर्स वगैरह के साथ साथ आउटडोर में विजिबिलिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। गेमिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको यहाँ पर मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है भाई, बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर काफी बेहतर मिलती है।
कैमरास की बात कर ले भाई, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर दिए गए लेकिन क्वाड फंक्शनैलिटी के साथ में आते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड प्लस डेप्थ सेंसर मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मैक्रो लेंस दिया गया है। सामने की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, डे लाइट में फोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है अप टू 30 FPS। तो देखा जाए भाई तो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट और ये चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर, तो आपको यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी कमाल की मिल जाती है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो डेली टास्क वगैरह आप यहाँ पर काफ़ी इजीली कर सकते हैं। गेमिंग की बात करें भाई तो ये स्मार्टफोन स्कोर करता है लगभग 2,70,000 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आपको बजट के हिसाब से यहाँ पर अच्छी मिलती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको UMCP वाली स्टोरेज भी मिल जाती है, जो कि लगभग आपको यहाँ पर UFS 2.1 की तरह मिल जाएगी, जिसका मतलब फोन रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी आपको यहाँ पर काफ़ी फास्ट दे देता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर 20W की चार्जिंग का सपोर्ट है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है, तो बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि आपको लगभग ऑलराउंडर देखने को मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे लगभग 14,000 रुपये। लेकिन दोस्तों 11 जुलाई को स्मार्टफोन की फर्स्ट सेल है, जहां पर आपको SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये की प्राइस पर चेकआउट कर पाएंगे। तो 13,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ जरूर जा सकते हैं। सो फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी और वन ऑफ द बेस्ट फोन की। हालांकि ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पहले लॉन्च किया गया था लेकिन रिसेंट लॉन्च है, इसके लिए हमने यहाँ पर स्मार्टफोन को भी लिस्ट में रखा हुआ है और ये फोन है दोस्तों Infinix का Note 12 Turbo। चलिए जानते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। सो गाइस, हालांकि ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और साथ ही साथ डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अच्छी बात है कि ये फ़ोन आता है सिर्फ और सिर्फ 7.9 mm थिकनेस के साथ में, यानी कि ज़्यादा मोटा भी नहीं है और 185 grams का फ़ोन है, तो काफ़ी लाइट वेट भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर अगर कुछ फ़ोन के अदर फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5 mm का जैक दिया गया है, साथ ही साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो गेमिंग के वक्त ऑडियो भी आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाएगी और इन सभी के अलावा ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 बेस्ड XOS 10.6 पर। थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं लेकिन पहले के मुकाबले में सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। सो ये तो थे फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ़ोन के मेन फीचर्स के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है 6.7 इंचेस की बड़ी सी फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर दी गई है, साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और फोन को आउटडोर में इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 nits की ब्राइटनेस भी दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। गेमिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और साथ ही साथ 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, जो कि आपकी गेमिंग में काफ़ी मदद करती है। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो फ़ोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और साथ ही में आपको यहाँ पर एक AI लेंस मिलता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। देखा जाए तो कैमरा सेटअप आपको पिछली बार की तरह ही दिया गया है लेकिन मेन कैमरा को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिस वजह से आपको यहाँ पर आउटपुट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, चाहे वो डे लाइट हो चाहे नाइट हो दोस्तों, आपको इमेजेस काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है फ़ोन के बैक कैमरा से, और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो इस बार Infinix ने कैमरा को भी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, तो यहाँ पर आपको कैमरा से भी कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों फ़ोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G96 चिपसेट, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर और लगभग आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास के अंततः स्कोर भी मिल जाते हैं, तो डेली परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलने वाली है, साथ ही साथ आप यहाँ पर इस बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों फ़ोन के अंदर आपको UMCP की स्टोरेज भी दी गई है, जिसे आप UFS 2.1 से कंपेयर कर सकते हैं।
देखा जाए तो यहाँ पर आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी काफी फास्ट मिल जाता है, तो ओवरऑल फोन की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। और आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, ये आपको नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत ही आराम से दे देती है। साथ ही साथ फोन यहाँ पर 33 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो बैटरी मॉडल से भी आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। रही बात फोन के प्रोज और कॉन्स की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8GB की रैम प्लस 5GB की वर्चुअल रैम का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर टोटल 13GB की रैम मिल जाती है और 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज आपको फोन के अंदर दी गई है। और इसके लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं 15,000 रुपये। लेकिन दोस्तों गाइस यही एक लौता स्मार्टफोन है जो कि आपको इस बजट के अंदर बड़ी रैम, बड़ा स्टोरेज, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस और काफी गुड लुकिंग भी मिल जाता है। सो अगर आप चाहें तो एक बार स्मार्टफोन को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस ये थे वो टॉप 4 न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं अंडर 15,000 रुपीज, जिनके लिंक्स दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते हमें ये बता दीजिएगा कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।